चीन से निकला कोरोना वायरस भारत समेत अब धीरे धीरे आसपास के सभी देशों में फैलता जा रहा है। इसका सही इलाज अभी तक किसी भी देश को नहीं मिल पाया है, जिसके चलते पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर सनसनी फैल चुकी है। तो वहीं मंगलवार को योग गुरु बाबा रामदेव ने कोरोना वायरस को लेकर कहा कि उन्होंने कोरोना वायरस से संक्रमित चीन के लोगों को अपनी दवाइयों से ठीक करने का सुझाव दिया है। सरकार कोरोना वायरस की जागरूकता के लिए लगातार कैंपेन चला रही है। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में मचे हाहाकार के बीच योग गुरु बाबा रामदेव ने मंगलवार को कहा कि कोरोना वायरस से चीन के जिन लोगों में वायरस से संक्रमण होने की संभावना है या जो लोग संक्रमित हो गए हैं, उनकी जीवन रक्षा के लिए पतंजलि योगपीठ सहयोग करने के लिए तैयार है। चीन को हम यह गिलोय, तुलसी आदि आयुर्वेदिक औषधियाँ उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योग की सलाह। योग गुरु बाबा रामदेव ने बताया कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 3 प्राणायाम जरूर करें। एक भस्त्रिका है जो 2 से 3 मिनट करें, दूसरा कपालभाति है जो 5 से 10 मिनट कर सकते हैं, और तीसरा अनुलोम विलोम है। हालांकि डर के बीच स्वामी रामदेव ने बताया कि कोरोना वायरस को योग और आयुर्वेद के माध्यम से रोका जा सकता है। रामदेव बाबा ने सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और कपालभाति जैसे योग पोज के माध्यम से वायरस से बचने के उपायों को बताया है। योग गुरु ने कहा कि कोरोना वायरस सहित सभी प्रकार की बीमारियों से दूर रहने के लिए अच्छी प्रतिरक्षा होना बेहद जरूरी है। इंस्टाफीड।